हाँ बोलो बोलो सर। मैं सभी ने जो ओपनिंग एपिसोड था कॉफी विद करूंगा सबने देखा है, सभी ने आपने जो कहा कि वो एक अलग मूड रहता है वो जब शो चलता है तब, फॉर्मेट अलग है शो का, बहुत मस्ती वाला है। तो जो पिछला एपिसोड था जहाँ पे करीना कपूर और रणवीर आए थे, वहाँ पे करीना ने कटरीना को एज सिस्टर इन लॉ एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि अगर कभी उनकी शादी हुई तो जर्नलिस्ट हो आई स्वर्न गॉड मुझे नहीं लगा, लेकिन ये सवाल के बाद लग रहा है कि आप वाकई में मुझे भी जर्नलिस्ट हो। मान मर्यादा संस्कृति जिसने पूछा कि संस्कृति मान मर्यादा संस्कृति ये सब आपने कूट कूट के भरी है ना, ये शायद ये आपके माता पिता ने आपको ये सिखाया होगा, करेक्ट? यस ना मिस्टर खान, यू आर द सीनियर मोस्ट ओवर हियर एंड द प्रोड्यूसर। नो नो, बमन इज बाय फार द सीनियर मोस्ट। Do you think Baman is younger than Shah Rukh? Yeah. Security is aaj dekho baar dekho. So Shah Rukh, could you please allow me if I can ask Farah and then come back to you? Beta jo karna hai tu budda bol diya, tune budda bol diya, tune jo karna hai kar tu. तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। Yes, Sumit, yes. फरा, ऐसा क्यों सोचा आपने कि 24 अगस्त 2014 को 5:15:19 पर आप सहारा स्टार होटल के नए ऑडिटोरियम में अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे? क्योंकि आपकी गणित बहुत अच्छी है इसलिए। एक्चुअली ये तो चारू की आंसर कर सकते हैं और करीम एंड करुणा एंड वेंकी, वी वांटेड क्योंकि हमारी जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है, जैसा एक फुल हमारी कोशिश ये है कि एक क्विंटेसेंशियल अल्टीमेट बॉलीवुड फिल्म बनाएं जिसमें हर वो चीज है और उस तमीज और उस खुशी और उस बड़प्पन के साथ है कि हमारी इज्जत बढ़े हमारे देशवासियों की। एंड इसके अंदर एक पेट्रियाटिक एंगल भी है इंडिया वाले का। हमारे दोस्त रोहित की फिल्म आ रही थी सिंघम। नॉर्मली फिल्म का ट्रेलर जो है किसी फिल्म के साथ लगाया जाता है थर्सडे फ्राइडे को, तो हर चीज जो है एक समा बन गया और हमें लगा हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया वाले है, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को हमारा ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज होगा एंड हमारी जो सारी टीम है उनको ऐसा लगा ये वक्त सही है तो हमने कर दिया। और आई एम सॉरी इफ इट फील्स रॉन्ग। नो, वेरी गुड गुड, थैंक यू। इसके बाद सारे यहां लाइन लग जाएगी इस ऑडिटोरियम में। अभी नहीं, अभी खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, उसके बाद बहुत बातें करने की। आप लोग जल्दी में फरा, पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित, मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है और इसीलिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा। फरा, यही होता है कि हर साल सब लोग आप लोग दुबई चले जाते हो, 31 लेके 3 तारीख तक सब लोग दुबई में। मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार। पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? हाँ सॉरी, क्यों गए थे सब लोग दुबई? कम वक्त हो यू आर। तो एक बार एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। शाहरुख, एक चीज मुझे बताइए, इन दिनों आपकी सारी जो फिल्म आती है, यू 1.5 साल बाद आई है दोस्त, इन दिनों मतलब ऐसे बोला हर हफ्ते पिक्चर आती मेरी, मतलब वो एक हाँ ठीक है, हाँ बोल। यू ए होती है, ए होती है, ये कौन सी होगी? ए नहीं हुई है इसकी, कौन सी पिक्चर ए हुई है? यू हैव डन अ ए मूवी? वो देख कर आया तुम, जो पी कर आया, जो देख कर आया मुझे मालूम नहीं दोस्त, बट हाँ मतलब ये यू ए होगी या क्या होगी मुझे पता नहीं, नहीं ये यू ए ई में बनाई गई है, यू ए ई में इसकी शूटिंग हुई है, दैट इज वेयर सुमित, यू ए ई होगी, यू ए ई में। रणबीर, हमेशा देखा गया कि आपकी सिस्टर बेबो वो अपने रिश्तों को लेकर हमेशा ओपन रही हैं, शादी किया वो सब उन्होंने बताया, लेकिन आप हमेशा से छुपाते आए हैं, क्या कुछ खास वजह है कि आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ है तो मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता कि शायद लोगों को पता चले, इसलिए आप बहुत ही सस्पेंस रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं? मैंने आपका पूरा सवाल सुना नहीं, लेकिन मुझे ब्रॉडली एक आइडिया मिल गया। ईच टू इट्स ओन,
हर इंसान अलग होता है, जो बेबो समझती है या लोलो समझती है या जो मेरे पिता या माता समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ। ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है। जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती, तो मैं यही कहना चाहूँगा। सो या रानी, पहले तो बहुत मुबारकबाद आपकी इस फिल्म का, ईशान न्यूज़ एक्सप्रेस से। रानी बहुत हमने देखी फिल्म, काफी अच्छी थी आपका, एक अलग, हाँ लेकिन आपका एक अच्छा एक रोल, नहीं जो एक आजकल बॉलीवुड में हीरोइनों का जो दौर, काफी बहुत अच्छी थी। हाँ तो मतलब जो आजकल बोल भी रही हूँ काफी काफी, आप नहीं, मैं अपने सवाल पे कॉन्सेंट्रेटेड था। नहीं नहीं सवाल पे नहीं, जवाब में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। काफी नहीं बहुत अच्छी थी। हाँ। लेकिन रानी जो आजकल एक दौर था बॉलीवुड की हीरोइनों का कि एक तरीके से कह जाता है फिल्म में एक अचार के रूप से इस्तेमाल की जाती थी, अचार मतलब थोड़ा सा किरदार रहता था, वो खत्म हो गया। फर्स्ट वन वो आपने चेंज किया जो था। लेकिन रानी मेरा सवाल ये था आपसे कि आचार पापोड़ और आचार मतलब एक छोटा सा किरदार, आई डोंट नो एक्ट्रेसेस आर सिंधी यार, ऑल एक्ट्रेसेस मतलब या एक्सक्यूज मी रानी जहां आचार, नहीं ये मुझे प्लीज नहीं यार, अरे यार रानी सुन तो लीजिए, नहीं 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 ये आपके जो विचार है, जो आचार वाले विचार है, इसमें तो वी हैव टू लाइक क्रिएटिंग अ हेडलाइन नाउ यार। नहीं लेकिन वो बता रहा हूँ आचार विचार, थैंक यू आलोक भी, मतलब रानी लेकिन अक्सर देखा गया बॉलीवुड में आप लोग काफी सेंसिटिव इश्यूज पे बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक बरदानी को लेके आई है, कई बार करप्शन से ही फिल्में बनी है, लेकिन अभी जैसा भी मेरी एक फ्रेंड ने भी आपसे सवाल पूछा तो अंडरवर्ल्ड को लेके आप लोग क्यों एक बैक स्टेप ले लेते हैं या उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं? कौन लोग जैसे अभी पूछा गया था आपसे सवाल तो आपने कहा कि नहीं वी वोंट टॉक अबाउट इट, तो ऐसा क्यों होता है? तो सिक्योरिटी इश्यू जो आज खबर आई है, बट आज हम फिल्म के बारे में बात करने आए ना, दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर टॉकिंग अबाउट मर्दानी, सो वी हैव टू टॉक अबाउट मर्दानी फर्स्ट ना एंड देन टेक द अदर क्वेश्चंस। ठीक है आचार, लेकिन आपका नाम आज से आचार हो गया है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ आचार के उस रानी आप मर्दानी के रूप में पूरा देश आपको जान रहा है, तो आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करती हैं? आचार जी आपका नाम आचार हो गया, अवॉइड कर रही हैं क्वेश्चन, नहीं मैं आपको आचार बुलाऊंगी आज से, चलिए कोई